अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए आज से आयोजन गुड आफ्टरनून, स्वागत करते हैं आप सभी का यूके विजय ब्लॉग में। मैं हूं विजय नेगी और एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं अपने स्टूडियो से। पिछले ब्लॉग में आपको बताया था मैंने कि बैसाखी का ब्लॉग दिखाने वाला हूं मैं आपको, तो आज पूरा ब्लॉग में सिर्फ और सिर्फ कर्णप्रयाग का बैसाखी मेले का व्यू देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं और करते हैं अपने बैसाखी मेले का ब्लॉग। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ हर एक को ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि बैसाखी मेले से सभी चित परिचित रहें। और अपना सेटअप लगाने के बाद कुछ इस प्रकार का लुक आने वाला है और आज दिखाते हैं आपको बैसाखी मेले की चहल पहल मार्केट में। जाए तो हमारे स्टूडियो से और मात्र 100 मीटर की दूरी पर ये भव्य मंच बना होता है। मैन पीपल का पेड़ जहाँ पे है तो वहाँ पे ये मंच लगा होता है, अधिकांश लोगों को पता होगा। सबसे पहले मेरे बाएं साइड मंच बना है, तो हम एक चक्कर आगे से बाज़ार की रौनक दिखा के आते हैं आपको। बाज़ार में तो अभी भीड़ भड़ा का थोड़ा कम होगा क्योंकि सर लोग अभी प्रोग्राम देखने में बिजी हो रखे हैं फिलहाल, लेकिन पुल के दोनों साइड इधर उधर दुकानें लगी हैं ज़रूर और भीड़ भड़ाका इधर भी ठीक ठाक ही दिख रहा है। जाम का जिक्र पिछले ब्लॉग में भी किया था और इस ब्लॉग में भी के माध्यम से भी देख सकते हो आप जाम। पहले मैं आपको गोप्रो की पूरी मार्केट का दृश्य दिखाऊंगा और उसके बाद जो प्रोग्राम चल रहा है भी वो दिखाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। के पेड़ से और उमा देवी तिराहे तक जाम जरूर लगा है, लेकिन यहाँ से रोड बिल्कुल खुली है। तो हम एक चक्कर यहाँ से पंचफुलिया होके और बीच वाले मार्केट जहाँ स्टेज बन रखा है, बैसाखी मेले का मंच बन रखा है, वहाँ जाएंगे एक चक्कर। यहाँ नीचे वाला मार्केट जिसे कि पोखरी पुल वाला मार्केट भी कहा जाता है, तो यहाँ भीड़ भड़ाका बहुत कम देखने को मिलेगा क्योंकि सबसे ज़्यादा भीड़ जो पूरे मार्केट के इकट्ठे हो रखे है वो तो मेले में हो रखे है। लेकिन यहाँ से बीच वाले मार्केट जाएंगे हम, तो इस वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। तो फिलहाल हम पंचपुलिया पहुँच चुके हैं और तो गाइस फिलहाल हम निकल चुके हैं पेट्रोल पंप से आगे और यहाँ भी ज़्यादा रौनक तो है नहीं, लेकिन यहाँ से रौनक लगेगी बहुत तगड़ी वाली और बहुत ही ज़बरदस्त तगड़ी वाली रौनक दिखने वाली है अब आपको आगे। यहाँ से इस लोकेशन से बहुत ही तगड़ा व्यू और दृश्य और लोकेशन दिखने वाला है। मंच बन रखा है बिल्कुल सामने है और बैसाखी मेले का आज है दूसरा दिन। पहले दिन हम शादी में बिजी थे इस वजह से ब्लॉग शूट नहीं हो पाया, लेकिन आज है बैसाखी मेले का दूसरा दिन। देख सकते हो आप भीड़ भड़ा का काफ़ी बढ़िया बन रखा है माहौल। अभी बहुत बच्चों के यहाँ पे प्रस्तुतियाँ होनी है, ये रहा मंच बिल्कुल सामने पे और कुछ इस प्रकार का भीड़ भड़ा का आज देखने को मिलेगा यहाँ। और बारिश का भी हल्का हल्का मौसम ज़रूर हो रहा है, अभी देखते हैं मौसम साथ दे पाता नहीं दे पाता है। और काफ़ी ज़बरदस्त मज़ेदार प्रोग्राम चल रहे हैं, अभी शायद ही स्कूल के बच्चों के यहाँ पे प्रोग्राम चल रहे हैं और ये बच्चे भीड़ भाड़ का तगड़ाई देख सकते हो आप, बहुत ही प्यारा। मेरा निवेदन है पहले ही जितने भी विद्यालय अपनी यहाँ पे प्रस्तुति दे रहे हैं, आप अपना गाना आशीष भाई तक जरूर पहुँचाएं। भीड़ भड़ाके से अंदाज़ा लगाया जा सकता है किस प्रकार का आज भीड़ भड़ाका मार्केट में हो रखा है। बैसाखी मेले का आज दूसरा दिन है और कल लास्ट फाइनल हो जाएगा बैसाखी मेले का। गजब, मंच के आगे और मंच के पीछे कुछ इस प्रकार की भीड़ लगे हैं और ये सारे बच्चे हो रखे हैं भी तैयार अपना प्रोग्राम देने के लिए। कुछ लोगों का प्रोग्राम ज़रूर हो चुका है और जिनका नहीं हुआ वो यहाँ पीछे तैयार होके जाते हैं। शासन प्रशासन भी अपनी ड्यूटी में सख्त बन रखा है आज।
और इसके बाद दिखाते हैं आपको प्रोग्राम अंदर, मंच के अंदर के सारे प्रोग्राम दिखाते हैं आपको आज। फिलहाल अभी मौसम में थोड़ा गड़बड़ी की वजह से प्रोग्राम को आज यहीं पर एंड करना पड़ेगा और ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करना पड़ेगा।